सभी भाइयों को राम राम प्रणाम नमस्ते। यो वर्क्स इंडिया चैनल पे आप डेली नई नई मशीनें देखते हो, नई नई इंडस्ट्री देखते हो। आज हम एक नया अपडेट लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे वुड कीपर मशीन, जो लकड़ी काटने के लिए काम आती है। इसको फुटी मशीन भी कहते हैं। जानेंगे इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसमें पार्ट्स लगाया जाता है, कैसा मटेरियल लगाया जाता है। ये हम आज जानने के लिए राम एग्रो वर्क्स अबोर सिटी में, जो कि राजस्थान के पास हैं, पंजाब में हैं, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में है। भाइयो अबोर सिटी में यह सीतो रोड बाईपास है। हम ये चौराहा देख सकते हैं, ये चौक है, जो इस चौक के पास है SRF पैलेस। इस पैलेस के बिल्कुल अपोसाइट हम देख सकते हैं राम एग्रो इंडस्ट्री। ये सीतो रोड बाईपास पे है राम एग्रो इंडस्ट्री। भाइयो राम एग्रो इंडस्ट्री में यह वुड कीपर मशीन की कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यह मशीन यहाँ कैसे बनाई जाती है, यह हम देखने के लिए आए हैं। आज हम देखेंगे कैसे यह मशीन बनाई जाती है। कभी आप अबोर सिटी में आओ तो ऊपर बोर्ड देख सकते हैं हम, राम एग्रो वर्कर्स, ये बड़ा बोर्ड लगा है। रमेश कुमार का मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। आर के लोगो है राम एग्रो वर्कर्स का। हम यह बोर्ड देख सकते हैं। मशीन में जो लोहे की सीट, जो चादर है, वो 8 गेज मतलब 5 mm की चादर इसमें लगाई जाती है। टोटल मटेरियल जो है टाटा कंपनी का लगाया जाता, बढ़िया मटेरियल लगाया जाता, बढ़िया मशीन बनाई जाती है। यहाँ वेल्डर पार्ट शेयर कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। अभी दूसरा वेल्डर हम देख सकते हैं मशीन को कम्प्लीट करने में लगा हुआ है। भाइयों बड़ी मात्रा में यहाँ वुड कीपर मशीन बनाई जाती है राम एग्रो वर्कर्स अबोर सिटी में। यहाँ एक मैकेनिक देख सकते हैं गियर बॉक्स को फिट कर रहा है, हम देख सकते हैं। जल्दी जल्दी वर्कर यहाँ मशीनें तैयार कर रहे हैं, हम देख सकते हैं राम एग्रो वर्कर्स में अबोर सिटी में। यहाँ बहुत बढ़िया मशीन, वुड कीपर मशीन जो बनाई जाती है, बहुत बढ़िया बनाई जाती है। यह मशीन कम्प्लीट हो चुकी है, इसको अभी पेंट करना है। तो पेंटिंग एरिया में लेकर जाएंगे, वहाँ पेंट किया जाएगा। भाइयों यह राम एग्रो इंडस्ट्री का पेंटिंग एरिया है, यहाँ मशीनों को पेंट किया जाता है। इधर से हम देख सकते हैं पेंटर की तरफ से बहुत बढ़िया पेंट किया जा रहा है मशीनों के ऊपर। राम एग्रो वर्कस गोल्डन कलर में डिजाइन किया गया, प्रोपराइटर रमेश कुमार। भाइयों राम एग्रो इंडस्ट्री अबोहर सिटी में वुड कीपर जो मशीन बनाई जाती है, हैवी ड्यूटी मशीन बनाई जाती है। अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। यो पहले हम इसकी चासी के बारे में जानते हैं। यह इसमें 5x2.5 का जो चैनल लगाया गया, हैवी ड्यूटी चासी इसकी मशीन की तैयार की गई है। मशीन की जो डिजाइनिंग और सीट की जो कटिंग है, वो CNC मशीन से ही होती है। यहाँ जो भी पार्ट्स रेडी किया जाता है CNC मशीन पे जो तैयार किया जाता है, बहुत अच्छा यह मशीन की डिजाइनिंग की जाती है। मशीन का गेयर बॉक्स हम देख सकते हैं, 4-speed गेयर बॉक्स है। ये 4 टाइप की ये कटिंग करता है। यह मशीन से हम 4 तरह की कटिंग कर सकते हैं। फास्ट गियर पे अगर हम मशीन चलाएंगे तो 5 mm की कटिंग कर सकते हैं। सेकंड गियर में हम चलाएंगे तो 15 mm की कटिंग कर सकते हैं। जो तीसरा गियर हम लगाएंगे तो 20 mm की हम कटिंग कर सकते हैं। और 4 जो टॉप गियर है हम लगाएंगे तो 20 mm की हम इस मशीन से कटिंग कर सकते हैं। बैक गियर भी इसमें दिया गया है मशीन में। यह फैसिलिटी है, बहुत अच्छी मशीन बनाई जाती है। यहाँ टूल बॉक्स दिया गया है, हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टूल बॉक्स यहाँ है। भाइयों इस मशीन में जो बैरिंग लगे हैं, डबल गोली के बैरिंग लगे हैं, 3311 नंबर के यह बैरिंग है, बेस्ट क्वालिटी के बैरिंग लगाए गए हैं। भाइयों इस मशीन में व्हील जो लगाए जाते हैं, हैवी व्हील लगाए जाते हैं, ट्रैक्टर पर लोड आने का कोई चांस ही नहीं रहता। ट्रैक्टर का जो व्हील है 2.5 क्विंटल से 3 क्विंटल के बीच में उसका वेट रहता है, और बाहर का जो व्हील है वो 1 क्विंटल 30 किलो का जो वेट है इसका है। यह हैवी व्हील है, बहुत ही बढ़िया व्हील लगाए जाते हैं। चलती मशीन में टापा ना खोलें, यहाँ लिखा हम देख सकते हैं, यह वार्निंग दी गई है राम एग्रो वर्क्स की तरफ से। यह वार्निंग दी गई है, हम देख सकते हैं, यह बात ध्यान रखने की बात है। इसके हेड में हम रोलर दे सकते हैं, बड़े अच्छे रोलर बनाकर लगाए गए। ये हेड है मशीन का, हेड से हम बैरिंग देख सकते हैं मशीन के, यहाँ कैसे फिटिंग की गई है, बहुत अच्छी फिटिंग की गई है। यह मशीन का कन्वेयर सिस्टम है, इसको प्रणाला भी बोलते हैं हम। ये 8 फुट है टोटल, और इसमें जो पटा चलता है वो 18 फुट का और 14 इंच का इसमें पटा लगता है, उसको कन्वेयर बेल्ट भी हम कह सकते हैं।
एक गेयरबॉक्स जो राम एग्रो इंडस्ट्री का अपना बना हुआ गेयरबॉक्स यहाँ फिट किया गया है। हैवी ड्यूटी गेयरबॉक्स हम यहाँ देख सकते हैं। इस गेयरबॉक्स से हम देख सकते हैं फोर क्रॉसेज चलते हैं और कन्वेयर सिस्टम को चलाने के लिए, हेड को चलाने के लिए यह यहाँ रिवर्स गियर भी दिया गया है। बहुत अच्छा सिस्टम बना है इस मशीन का। यह मशीन कड़वी काटने के लिए, सुखी बाजरी जिसको बोलते हैं उसको कुतरने के लिए, हरा चारा कुतरने के लिए, गार्डन वेस्ट जो कि बागों में सूखा चूरा होता है उसको कुतरने के लिए यह मशीन काम आती है। यह मशीन इतनी हैवी ड्यूटी मशीन बनाई गई राम एग्री वर्क्स की तरफ से। इससे हम 5-6 इंच मोटी लकड़ी भी काट सकते हैं। यह मशीन साइलेज के काम में बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसे मक्की का जिसको हम बोलते हैं टोका, कुतरा उसको बोलते हैं, वो मक्की को काटने के लिए यह मशीन बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ इसके एक मोरनी फिट की जाएगी ऊपर, जो परनाला भी बोलते हैं उसको हम। यहाँ से बुरादा निकलता है, अगर लकड़ी काटते हैं तो बुरादा निकलता है जो वो भट्ठे के ईंट पकाने के काम आता है। ईंट के काम के लिए यहाँ से ईंधन तैयार किया जाता है, यहाँ से निकलता है। एक बात और जाने हम कि यहाँ से जो बुरादा निकलता है वो गाड़ी में लोड करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह मशीन अपने आप गाड़ी को लोड करती है, गाड़ी में यह बुरादा भरती है और ट्रॉली हो या गाड़ी हो वहाँ इसमें कोई लेबर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 616 नंबर के टायर इस मशीन में फिट किए जाते हैं, अच्छे रेम फिट किए जाते हैं। वायो यह मशीन को हम चला सकते हैं 30 HP के ऊपर, जितना भी चाहो बड़े ट्रैक्टर पे हम चला सकते हैं, उसके साथ इसको चला सकते हैं। भाइयों आपको एक बार फिर बता दूं, यह वुड कीपर मशीन जो है, कुटी मशीन जिसको बोलते हैं, लकड़ी काटने वाली जो मशीन है, राम एग्रो वर्क्स की तरफ से बनती है अबोहर सिटी में, पंजाब के जो अबोहर सिटी है राजस्थान के पास, गंगानगर के पास जो फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इस सिटी में, इस शहर में यह बनती है मशीन। किसी भाई को इस मशीन की ज़रूरत हो, कोई जानकारी चाहिए, वो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए राम एग्रो वर्क्स के, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।